नमस्कार मित्रों, आज मैं काफी एक अहम विषय पे आप लोगों के सामने आया हूँ और इस विषय को लेके मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था आपको पूर्व जानकारी देने के लिए। जब बेसिकली जब ये सूचना अधिसूचना जारी हुई थी, जिसके तहत ये बताया गया था कि जो भी व्यक्ति का, मान लीजिए, जो विड्रॉवल है स्टार्टिंग फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 से लेके सितंबर तक के बीच में, अगर उनका विड्रॉवल लिमिट जो है वो 1 करोड़ को अगर क्रॉस कर जाएगा तो उनके विड्रॉवल्स के ऊपर, उनके विड्रॉवल ट्रांजेक्शन के ऊपर 2% का टीडीएस का रिडक्शन होगा। और मैंने इसकी सूचना सारे लोगों को दी थी, पूर्व में भी ये सूचना दी थी। और बेसिकली इस विषय के ऊपर मुझे दोबारा इस कारण मतलब आपके बीच में आना पड़ा है क्योंकि मुझे काफी ऐसे कंप्लेंट्स आए। काफी लोगों ने मुझसे बोला कि सर हमारे इतने टीडीएस कट गए, हमारा 60,000 टीडीएस कट गया, हमारा 1 लाख टीडीएस कट गया, हमारा 2 लाख टीडीएस कट गया। तो मैंने सोचा कि इस विषय के ऊपर मैं अब एक आवाज प्रखर रूप से उठानी बहुत जरूरी है और गवर्नमेंट तक अपनी बातों को पहुंचाना बहुत जरूरी है, जहां पे हम ये बता सकें कि जो गवर्नमेंट का ये डिसीजन है, जो बेसिकली नो डाउट कि गवर्नमेंट के बैक ऑफ द माइंड में ये चीजें रही होंगी कि जो ब्लैक मार्केटिंग, जो ब्लैक मनी का जो ये होता है, तो उसको चेक करने के लिए गवर्नमेंट ने ये डिसीजन लिया। बट उससे गवर्नमेंट को क्या हासिल हुआ और क्या इसका नुकसान हुआ, ये भी चीजें जान लेना बहुत जरूरी है। और ये बेसिकली बेसिक ये मतलब जानना बहुत जरूरी है कि इसका इम्प्लीकेशंस कितना वाइडर है और इसका इसके क्या मतलब इसके क्या इम्प्लीकेशंस एक जो ग्रामीण इलाकों में जो जो विलेज लेवल एंटरप्रेनर्स हैं, बेसिकली जो एक तो गवर्नमेंट अभी ग्रामीण इलाकों में जॉब्स नहीं प्रोवाइड करा पा रही, और मान लीजिए किसी भी तरह से जो व्यवस्था चल रही है उस व्यवस्था में जो हमारे ग्रामीण युवक हैं जो बेसिकली इस तरह के व्यवसाय से उन्होंने काफी अधिक से अधिक संख्या में वो जुड़कर वो पैसे कमा रहे हैं और अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं, और मतलब जो इसके लिए उनको बहुत विकट परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उनके लिए जॉब जो है बहुत इजी है। उनको मान लीजिए बैंक्स के का तिरस्कार सहना पड़ता है, बैंक्स वाले उनको सपोर्ट करने के लिए तैयार नहीं आते हैं, उनको प्रॉपर कैश अरेंजमेंट नहीं मिल पाता है, उनको किसी भी तरह की बैंक फैसिलिटीज बैंक्स नहीं प्रोवाइड करती है, वो लोग कहीं लोकल मनी लेंडर से या कहीं से किसी अपने परिवार से कोई कैश को लेके वो ये सारे व्यवसाय को करते हैं। और उसके बाद चूंकि लोकल जो उनके ग्रामीण इलाकों में जो बैंक्स होते हैं उनको कैश नहीं दे पाते हैं, तो वो ऑल द वे लगभग लगभग कई जगह पे लोग 20 किलोमीटर, 25 किलोमीटर, 30 किलोमीटर भी ट्रेवल करते हैं और वो वहां से कैश कैरी करके अपने इलाके में लाके लोगों को कैश का वितरण करते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन के तहत, जिसमें या तो वो उन्होंने WLA ATMs का ये किया है, इंस्टॉलेशन किया है अपने एरिया में, और जिसमें उनको दूर से लाके पैसे डालने पड़ते हैं, या फिर वो AEPS सर्विस प्रोवाइडर के तौर पे काम कर रहे हैं, या वो माइक्रो ATM, छोटे स्तर पे लोग अपने माइक्रो ATM रख के भी लोगों को, चाहे वो तो कार्ड के माध्यम से लोग अगर कोई पैसे निकालना चाह रहे हैं तो उनको वो पैसे प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर वो अगर कोई आदमी अपना अंगूठा लगाकर थंब इम्प्रेशन लगा के पैसा निकालना चाहता है तो उस माध्यम से भी लोगों को पैसे दिए। और इसका एक काफी वाइडर ये स्कोप है, वाइडर बेनिफिट मिला है गवर्नमेंट ने, जो आज गवर्नमेंट काफी, मैंने देखा है काफी ऐसे पोर्टल्स पे NPCI इस चीज को हाईलाइट करती है कि हम लोगों ने इतने नंबर्स ऑफ AEPS ट्रांजेक्शन को अचीव किया है। तो ये AEPS ट्रांजेक्शन अचीव करने में इन लड़कों की बहुत बड़ी भूमिका है, जिसको कि ओवरलुक किया जा रहा है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के द्वारा और इवन बैंक्स के द्वारा एंड RBI के द्वारा भी। जिन लड़कों ने आज, काफी ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जिन्होंने ये सेवाएं सेवाएं दे रहे हैं, जिसमें जो वो RBL बैंक के माध्यम से या ICICI बैंक के माध्यम से या यस बैंक के माध्यम से, और बहुत सारे ऐसे सर्विस प्रोवाइडर हैं जो कि ये सेवाएं लोगों तक पहुंचा, मतलब अपने प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्रामीण स्तर तक पहुंचा रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात क्या है कि सर्विस प्रोवाइडर वो पेन नहीं, सर्विस प्रोवाइडर तो चलिए उन्होंने ये सर्विस उनको दी है, ये सेवाएं प्रदान की है, लेकिन जो एक ग्रामीण इलाकों में जो एक
यूथ जो है वो कितना स्ट्रगल करके इस चीज व्यवसाय को चला रहा है। शुरुआत मतलब उनके लगभग कई बार ऐसा होता है कि उनके पैसे कस्टमर्स के पैसे डिडक्ट हो जाते हैं, उनके पोर्टल में नहीं आते हैं और लेकिन कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो जाते हैं। तो अब उसके कारण जो ग्रामीण इलाकों में क्या होता है कि जो वहाँ के लोग होते हैं वो उनसे लड़ाई झगड़ा करते हैं और उनसे पैसे मतलब उनसे ले लेते हैं। अगर वो बैंक जाते हैं तो बैंक वाले उनको तिरस्कार करके उनको बैंक से निकाल देते हैं। और इस कारण तो भी इन परिस्थितियों में भी वो इस व्यवसाय को चला रहे थे जिससे कि उनके परिवार का जीवन यापन चल सके। और मैं ये इस चीज पे खास तौर पे बताना चाहूंगा कि ग्रामीण इलाकों में किसी भी तरह की रोजगार का कोई साधन ऐसा नहीं है जो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है, जहाँ पे लोग उस माध्यम से अपने जीवन यापन करके मतलब अपनी मेहनत करके वो पैसे कमा सके। और नो डाउट गवर्नमेंट ने ये प्लेटफॉर्म दिया एपीएस का प्लेटफॉर्म दिया, जहाँ पे लोग किसी भी अलग अलग सर्विस प्रोवाइडर के साथ जोड़कर या फिर एटीएम लगाकर डब्ल्यूएलए एटीएम व्हाइट लेबल एटीएम लगाकर वो व्यवसाय कर रहे हैं और मतलब अपने परिवार का जीवन यापन कर रहे हैं। और उस रिमोटेस्ट एरिया में सुदूर ग्रामीण इलाकों में जहाँ पे बैंकिंग व्यवस्था पहुंच पाना लगभग असंभव जैसा है, वहां पे भी लोगों को आसानी से पैसे मिल जा रहे हैं। और इससे गवर्नमेंट को अपने जो भी उनका डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जो डीबीटीटी के माध्यम से जो पैसे पहुंचाने का जो टारगेट था वो गवर्नमेंट अचीव कर पा रही है। इसमें उनकी बैंक की भूमिका नहीं है, गवर्नमेंट को ये बिल्कुल ये इसका एक डाटा वो कलेक्ट करना चाहिए कि जो भी डायरेक्ट बैंक जो डीबीटीटी के माध्यम से जो पैसे लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं, गरीब लोगों को पहुंचाए जा रहे हैं उनके अकाउंट में, चाहे काफी स्कीम्स में, चाहे वो नरेगा हो, चाहे वो शौचालय बनाने के लिए है, चाहे आपका आवासीय योजना के तहत जो उनको पैसे दिए जा रहे हैं या अन्य काफी मद में पैसे ग्रामीणों को दिए जा रहे हैं, डायरेक्ट उनके बैंक में पैसे दिए जा रहे हैं। अगर आप आज की रेट में ये सारे सर्विस प्रोवाइडर्स को बंद कर दिया जाए और अगर बैंक्स को कहा जाए इनको सर्विस दे देने के लिए, तो मैं आपको ये बिल्कुल कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि ये बैंक इतने कैपेबल नहीं है कि सारी व्यवस्था को चला सके। लेकिन तो भी जितने हमारे बैंक स्टाफ्स हैं उनका काफी एरोगेंट बिहेवियर रहता है इन सारे एईपीएस प्रोवाइडर्स के साथ। वो लोग उसको किसी भी तरह से उनको कोऑपरेट नहीं करते हैं, कभी भी उनको सुचारू रूप से उनको कैश देने में ये करते हैं, कोई भी बैंक फैसिलिटीज प्रोवाइड नहीं करना चाहते, जबकि ये व्यवसाय काफी सेफ है क्योंकि यहाँ पे कैश का लेन देन हो रहा है। लेकिन अगर कोई हमारा कोई एईपी सर्विस प्रोवाइडर या फिर जो एटीएम मान लीजिए जैसे एटीएम का व्यवसाय कर रहे हैं, डब्ल्यूएल एटीएम जो लगा रहे हैं, जहां पे वो एटीएम लगा रहे हैं बकायदा एक निश्चित सारा उनका एक एग्रीमेंट होता है एटीएम पार्टनर्स के द्वारा, वो आरबीआई के द्वारा अधिकृत होते हैं एटीएम लगाने के लिए, उसके बावजूद भी अगर वो बैंक में पहुंचते हैं अपना किसी भी मुद्रा योजना के तहत लोन लेने के लिए या किसी भी तरह का बैंक फैसिलिटीज लेने के लिए या सीसी लिमिट लेने के लिए, तो उनको दुत्कार के ये कर दिया जाता है, भगा दिया जाता है कि भाई आपको किसी भी तरह का लोन नहीं मिलेगा क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई प्रोविजन ही नहीं है आपको लोन देने के लिए। जबकि मैं ये बता दूं कि डब्ल्यूएलए एटीएम्स के लिए जो इस मद में जो भी लोन दिया जाएगा वो बहुत ही सेफ है। क्यों? एक तो वो पैसे उसी अकाउंट से उसके ऑपरेट हो रहे हैं जो कि बैंक की नजर से डेली बेसिस में रोटेट होकर उनके सामने से गुजर रहा है। अपना इसमें एक एश्योर्ड प्रॉफिट है जिससे कि कोई व्यवसाय कोई जो भी व्यक्ति इस व्यवसाय को कर रहा है वो आसानी से बैंक का ब्याज दे के वो अपने परिवार का जीवन यापन अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता है। लेकिन ये सारी परिस्थितियों के बावजूद भी बैंक उनको किसी तरह की फैसिलिटीज नहीं देते हैं और वो अन्य कई स्रोत से लोकल मनी लेंडर से या किसी भी तरह से वो पैसे का अरेंजमेंट करते हैं और इस व्यवसाय को चला। और मुझे ये बताकर अत्यंत दुख हो रहा है कि इतनी विकट परिस्थितियों में वो सारे रिस्क लेके, कई बार ऐसा आप लोगों को सुनने में आया है कि जो हमारे जो बैंकिंग व्यवस्था सीएसपी प्रोवाइडर हैं उनको लूट लिया, उनके पैसे को लूट लिया गया, कई बार उनकी हत्या कर दी जाती है, सरकार किसी भी तरह की सुरक्षा नहीं देती है। अभी पिछले एक साल में काफी ऐसी घटनाएं सुनने में मिली है बिहार में या अन्य राज्यों में भी, जहां पे सीएसपी जो संचालित लोग कर रहे हैं या एटीएम चला रहे हैं वो कैश लेके आ रहे हैं, उनको लूट लिया गया या उनको गोली मार दी गई और उनको किसी भी तरह की कोई सुरक्षा नहीं है। वो अपने ये सारे रिस्क लेके भी वो इस व्यवसाय को कर रहे हैं, 20-30 किलोमीटर दूर से पैसे लेके आते हैं। अगर कोई दूर सुदूर जो रिमोट एरिया में अगर कोई एटीएम लगाती है सरकार, तो वहां पे कैश वैन से उनको कैश पहुंचाना पड़ता है, लोकल पुलिस स्टेशन से सारी सुरक्षा लेनी पड़ती है,
जिसमें कि गवर्नमेंट का काफी पैसा खर्च होता है। अब एक WLA पार्टनर अगर मान लीजिए ये व्यवस्था दे रहा है और उनको एक पर्टिकुलर ये सारी व्यवस्था देने के लिए सारा रिस्क लेना पड़ता है, मान लीजिए 20-30 किलोमीटर से वो कैश कैरी कर रहे हैं अपने रिस्क पे, उन्होंने लोकल मनी लेंडर से पैसे लिए हुए हैं, अगर उनका लाइफ रिस्क पे है, उनको आसानी से कैश नहीं मिलता है और वो पैसे लेके आ रहे हैं ATM में लोड करने के लिए, इतनी विकट परिस्थितियों में वो अपने व्यवसाय को कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में किसी भी तरह के व्यवसाय के साधन, किसी भी तरह के रोजगार के साधन नहीं है जहां से वो अपना जीवन यापन कर सके। अब या तो फिर वो दिल्ली मुंबई जैसे जगहों में जाके अपना जीवन यापन के लिए दर दर भटके और वहां के सरकारों के द्वारा में के द्वारा तिरस्कृत हो, ये उनके पास एक साधन है, या वो अपने इलाकों में रह के इस तरह का व्यवसाय करके अपना इज्जत से अपनी रोटी को कमा सके। लेकिन सरकार को उनको मदद करने के बजाय उनको किसी भी तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उनको मतलब मजबूर किया जा रहा है कि बेसिकली आप मजबूर किया जा रहा है कि आप इस बिजनेस को छोड़ दें, या आप किसी तरह का मतलब उनके परिवार को रोड पे लाकर छोड़ दिया गया है सरकार के कुछ डिसीजन के द्वारा, जिसके तहत ये जो 2% का TDS काटा जा रहा है। मैं आपको इसके ऊपर बिल्कुल विस्तार पूर्वक बताना चाहूंगा। एक जो WLA पार्टनर है वो सरकार को पहले अपने जो भी उनका इनकम होता है उस पर वो 18% का GST पे करता है। मान लीजिए अगर उनकी इनकम 10,000 रुपया हो रही है तो 1,800 रुपया सरकार को GST के मद में जाता है पहला। उसके बाद जो उनका आमदनी हो रही है 10,000 रुपये, उसके ऊपर वो 1,000 रुपया वो TDS पे करता है, उसका TDS का डिडक्शन होता है 10% का TDS। अगर कोई भी WLA पार्टनर है जो WLA व्यवसाय चला रहा है, जो ATM चला रहा है, उसका 10% TDS का डिडक्शन होता है। तो पहले उसने 10,000 में 1,800 रुपया उसने मान लीजिए GST का पे किया गवर्नमेंट के, और 1,000 रुपये TDS का पे किया, ठीक है। तो मान लीजिए उसने गवर्नमेंट को पहले GST भी 1800 दे दिया और 1,000 रुपये TDS का भी दे दिया, ठीक है। TDS वो एक साल के बाद में अपना रिटर्न फाइल करके वो अपने जो भी क्लेम्स हैं वो उसको अपना आय का विवरण देके उसमें उनको TDS रिबेट मिल जाएगा, चलिए ठीक है। यहां तक बात सही थी सरकार मान लीजिए। अब एक जो WLA पार्टनर है, ठीक है, उसकी पूंजी कितनी होती है, वो कितने व्यवसाय के साथ ये कितने पूंजी के साथ व्यवसाय कर रहा है। उसकी पूंजी बहुत ज्यादा, कोई अच्छा व्यवसाय कर रहा है तो 6-7 लाख रुपए हो जाए, 8 लाख रुपए हो जाए, 10 लाख रुपए, अगर देखा जाए, अगर एवरेज देखा जाएगा 100 में से अगर देखा जाएगा तो 70-80 लोगों के पास 5-6 लाख रुपए के बीच में पूंजी होती है। और अब ये 6 लाख रुपए वो क्या करते हैं, वो मान लीजिए उन्होंने जब व्यवसाय चालू करते हैं तो वो मान लीजिए जो भी हमारे सर्विस प्रोवाइडर है उनको वो पैसा देते हैं, फिर उनके बैंक अकाउंट में वो पैसे आते हैं और वो पैसे निकाल के फिर वो जाके अपने ATMs को लोड, फिर उसके बाद जो पब्लिक जब पैसे निकालती है तो फिर दोबारा उनके बैंक में सेटलमेंट होता है। तो फिर उनको कैश ही निकाल के, अभी जो कि RBI का नया सर्कुलर आ गया कि आप मार्केट कैश नहीं डाल सकते, आपको बैंक से ही पैसे निकाल के डालते, तो उनकी मजबूरी है कि वो बैंक से ही पैसे निकाल के वो उनको वो ATM को फीड करना होगा। जो भी एक ATM सर्विस, जो ATM WLA जो पार्टनर्स है, WLA ऑपरेटर्स है, जो ऑपरेटर एजेंट है, उनके जो एजेंट है उनको वो बैंक से पैसे निकालने हैं, तो अगर वो मान लीजिए सपोज अगर डेली 5 लाख रुपए निकाल रहे हैं तो एक ही महीने के अंदर उनके मान लीजिए 1.5 करोड़ रुपए हो जाए, जबकि सरकार की इस अधिसूचना के को लागू किया गया है अप्रैल से। तो मान लीजिए जो व्यक्ति मान लीजिए अप्रैल से अपना अगर व्यवसाय चला रहा है, WLA ATM चला रहा है, तो उन्होंने वो पहले से ही अपना 1 करोड़ का बेंचमार्क जो है वो क्रॉस कर लिया। अब उस परिस्थिति में अगर वो व्यक्ति पैसे निकाल रहा है, अगर किसी जैसे कि अभी कई लोगों ने मान लीजिए अपने SBI बैंक अकाउंट से पैसे मान लीजिए 5 लाख के हिसाब से उन्होंने पैसे निकाले, तो अब पैसे सितंबर मंथ में उन्होंने अगर निकाला तो 1.5 करोड़ का उनका व्यवसाय हो गया, विड्रॉवल टोटल विड्रॉवल वैल्यू हो गई। लेकिन हमारी अंधी सरकार, मैं ये बोलूंगा अंधी सरकार, और हमारे इनएफिशियंट बैंक स्टाफ जिनको ये भी मतलब उन लोगों ने कैलकुलेशन, जबकि ये देखा जाए ये जो अधिसूचना थी जिसमें 194N के तहत TDS डिडक्शन करना था, उसमें 5 लोगों को एग्जेम्प्ट किया गया था सरकार की अधिसूचना के द्वारा। और मैं आप लोगों को अलग अलग बैंक्स के अभी दिखाऊंगा, सर्कुलर्स भी दिखाऊंगा और उनके डेट्स भी दिखाऊंगा। ये अधिसूचना, उनके पैसे डिडक्ट हो रहे हैं सेप्टेम्बर से, सरकार ने अधिसूचना लाई 1 सितंबर से जो भी पैसे निकलेंगे लोगों के पहले डिडक्ट होगा। अब जो व्यक्ति मान लीजिए ये WLA ATM चला रहा है या फिर AEPS सर्विस प्रोवाइडर है, और अगर वो डेली
2 लाख का भी अगर व्यवसाय करता है तो महीने में 60 लाख, मतलब अगर अप्रैल से जोड़ देंगे तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, हाँ 5 महीने में अगर कोई मान लीजिए अगर 20 लाख का व्यवसाय करा तो 1 करोड़ उसने क्रॉस कर लिया। तो अब क्या हुआ, जब वो पैसे वो डेली, जब वो मान लीजिए उसने सितंबर मंथ में व्यवसाय किया 2 लाख के हिसाब से, तो उन्होंने उनका टोटल विड्रॉवल जो हो गया पूरे महीने में वो 50 लाख रुपया हुआ। तो बैंक्स इन जो हमारे मतलब ये दिस इज एन एक्ट ऑफ क्रिमिनल, इट्स अ क्रिमिनल ऑफेंस बेसिकली कहा जाएगा कि जिस व्यक्ति की पूंजी 2 लाख रुपया है, आप उस पूंजी में से 1 लाख रुपया टीडीएस के नाम पे काट, ये मतलब आपको कोई आप सोच लें किसी के परिवार को आप लाके रोड पे छोड़ दे रहे हैं एक सरकार की एक व्यवस्था के कारण, और बैंक के इस व्यवस्था के कारण बैंकिंग जितने हमारे स्टाफ हैं बेसिकली, जो अगर उनके उनके सैलरी को काटा जाएगा तब पता चलेगा, उनको चलेगा कि उनका क्या पेन होता है। अगर उनकी सैलरी को काट दिया जाए और जब उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए उनको उनके पास पैसे नहीं रहेंगे या खाने के लिए पैसे नहीं रहेंगे, तब उनको ये दर्द का एहसास होगा कि जब किसी, आपको मैं दिखाऊंगा कि जो व्यक्ति अपनी पूंजी कहीं ना कहीं से लोकल मनी लेंडर से लेके व्यवसाय कर रहा है और उनके 1-1 लाख, 1.5-1.5 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपए टीडीएस के नाम पे काट लिया गया, आप इस गवर्नमेंट के इस डिसीजन को क्या कहेंगे? क्या ये आप लोगों को आक्रोशित नहीं करता है? ये इस तरह का जो डिसीजन होता है गवर्नमेंट का, वो या तो सरकार पहले तो आज के डेट में जॉब नहीं दे पा रही है लोगों को, और जो व्यक्ति अपने लेवल पे सारी विकट परिस्थितियों को झेल के भी ये अपनी व्यवसाय का जरिया खोजता है, वो मेहनत करता है और वो पैसे कमाने की चेष्टा करता है, और वैसी परिस्थिति में आज उनके जॉब को सरकार के इस डिसीजन के द्वारा और बैंक के व्यवहार के द्वारा, जबकि इसमें सारे सर्कुलर्स में दिया गया है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट, WLA, ATM पार्टनर्स इसमें एग्जेम्प्टेड है, उसके बाद जो भी उनके पैसे क्यों काटे जा रहे हैं, और 1-1, 2-2 लाख रुपए जो कि उनकी पूंजी है, उस पूंजी को टीडीएस के नाम पे काटा जा रहा है। और अगर कोई एजेंट अगर उनके पास जाता है, विनती करता है, उनसे रिक्वेस्ट करता है कि सर मेरा पैसा वापस किया जाए, ये मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, आप कृपया करके मेरे डॉक्यूमेंट्स को देख लें, तो किसी भी बैंक स्टाफ के पास इतनी अकल नहीं है, इतनी समझ नहीं है कि उनको उनका पूंजी 3 लाख रुपया है और आप पूंजी में से 1.5 लाख रुपया काट ले, तो वो व्यक्ति क्या करेगा? आत्महत्या करने के लिए आप उसको मजबूर कर रहे हैं। और इन सारे बैंक स्टाफ के ऊपर, इवन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ऊपर भी, जो ऐसे इस तरह के डिसीजंस को लेती हैं जहां पे कि वो कोई तैयारी नहीं करती, वो ये नहीं देखती है कि उनके पास इतने इनकैपेबल बैंक स्टाफ हैं, जो कि सही तरह से, मैं आप लोगों को हाईलाइट करना चाहूंगा ये इनकी इस तरह की जो ये गतिविधियां कर रहे हैं, आप ये देखें, लोगों के पैसे काटे जा रहे हैं 1 सितंबर से, और हमारी जो हमारी लीड बैंक है आपको कहा जा रहा है कि 1 अप्रैल से पैसे काटे जाएंगे। आप 1 अप्रैल से आपने उनका 1 करोड़ का लिमिट उनका क्रॉस हो गया, और हमारे जो सबसे बड़ी बैंक है इंडिया की, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जहां के जितने भी बैंक स्टाफ हैं वो अपने आप को राजा महाराजा से कम नहीं समझते हैं, वो भारत की आम जनता को एक अपना गुलाम समझते हैं। कोई भी गरीब व्यक्ति अगर उनके बैंक में चले जाए या उनसे कोई बात करना चाहे तो उनके पास फुर्सत नहीं होती उनसे बात करने के लिए, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनने के लिए। और मैं आपको दिखाना चाहूंगा इनका जो सर्कुलर है, हमारी जो लीड बैंक है, बहुत बड़ी भारत की सबसे बड़ी बैंक, वो केवल आज की रेट में अगर सरकारी सेवाओं को इनसे हटा दिया जाए तो ये बैंक आपको लॉस में आ जाएगी। इन लोगों ने ये सारी व्यवस्था जो बैंक, जो हमारे बैंक के ये है, जिन लोगों ने भारतवर्ष को 7, आप समझ सकते हैं 8 लाख करोड़ का एनपीए दिया है अपनी अपने चहतों को लोन्स देने के लिए, और इसमें सबकी मिलीजुली सहभागिता है। बैंक के कर्मचारी मिले हुए हैं, सरकार सारे पॉलिटिशियंस मिले हुए हैं, और बैंक के कर्मचारियों ने बहुत पैसे बनाए, उनके बच्चे तो बहुत आराम से अच्छी अच्छी जगहों में पढ़ रहे हैं, अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे हैं, वो अपने सारे लाइफ का ये, लेकिन सबसे पहले हड़ताल पे वो लोग जाते हैं। आज जो सरकारी, आज उन्होंने 8 लाख करोड़ रुपया जो एनपीए हुआ, तो उसके लिए उसको भुगतना किसको पड़ रहा है? भारत की आम जनता को, भारत की गरीब जनता को भुगतना पड़ रहा है। जिन लोगों ने ये कर्ज किए, जिनके कारण ये कर्ज हुआ, जिनके कारण ये एनपीए का फिगर हुआ, उनको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं फेस करना पड़ रहा है। फेस किसको करना पड़ रहा है? फेस भारत की आम जनता को करना पड़ रहा है। आज पीएमसी में घोटाला हुआ तो बीएमसी के स्टाफ
गिने चुने पकड़े जा रहे हैं, लेकिन सारी प्रॉब्लम्स जिनको फेस करनी है पड़ रही है वहां उसके जो अकाउंट होल्डर्स हैं उनको फेस करनी पड़ रही है, जबकि उनकी क्या गलती थी। उसी तरह से आज हमारे सरकार ने एक बहुत बड़ा डिसीजन ले लिया, और मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आप लोग देखें जरा, इस चीज को हाईलाइट करना चाहूंगा कि हमारी जो जो सबसे लीड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है, आपका इन लोगों ने पैसे काट रहे हैं पब्लिक के ये लोग 1 सितंबर से, और अपने सारे बैंक ब्रांच को अपने इंटरनल सर्कुलर को इशू कर रहे हैं 14 नवंबर को। ये डेट आप लोग देख ले, इन्होंने 14 नवंबर को अपने बैंक ब्रांचेस को सर्कुलर इशू किया, किसके लिए, सेक्शन 194 एंड टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल एक्सीडिंग ₹1 करोड़। जब आप पब्लिक का पैसा 1 सितंबर से काट रहे हैं, तो आपने अपने बैंक सारे कर्मचारियों को 1 सितंबर को से आपने सर्कुलर, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने इसका कोई कॉग्निजेंस क्यों नहीं लिया कि जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में लोग थे उनके पैसे क्यों काटे जा रहे हैं। एक गरीब व्यक्ति, एक ग्रामीण इलाकों में अपना व्यवसाय करने वाला व्यक्ति जो बाजार से पैसे उठाता है 15 से 20 किलोमीटर अपना लाइफ रिस्क पे लाके पैसे लगा के अपना पैसे ला के अपना व्यवसाय चलाता है, गरीब हर तरह की परेशानी झेलता है, कभी कई कई बार ऐसा सुनने में आया है कि काफी लोगों का वो मौत के घाट उतार दिया गया क्रिमिनल्स के द्वारा, उसके बावजूद भी वो काम कर रहा करने के लिए मजबूर है, क्योंकि ग्रामीण इलाकों में कोई भी व्यवसाय का जरिया नहीं। और हमारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने जो व्यवसाय लोग पब्लिक कर भी रहे हैं उसको बर्बाद करके रख दिया है, और इनके इनएफिशिएंट बैंक स्टाफ जो हैं, जो कि 14 नवंबर को सर्कुलर निकाल रहे हैं, पैसे काट रहे हैं, उन्होंने सितंबर और अक्टूबर के लड़कों को पैसे काटे हैं, 1-1 लाख 2-2 लाख रुपए काट रहे हैं, और ये जो हमारे लीड बैंक है SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसका जवाब देना चाहिए कि जब आप 1 सितंबर से लोगों के पैसे काट रहे हैं तो आपने 14 नवंबर को सर्कुलर कैसे इशू किया, आपने 1 सितंबर को सर्कुलर पहले क्यों नहीं इशू किया, जिसके तहत जो आपने बताया, आप क्या लिख रहे हैं यहाँ पे, अ न्यू सेक्शन 194 हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय फाइनेंस एक्ट 2019, अ सेक्शन रिक्वायर्स अ बैंक टू डिटेक्ट इनकम टैक्स 2% और कैश विड्रॉल बाय ऑल चैनल्स इन एक्सेस ऑफ 1 करोड़ रुपीज बाय 1 कस्टमर स्पैन ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। ठीक है, आप जब 1 सितंबर से पैसे काट रहे हैं तो आपने अपने बैंक ब्रांचेस को इंश्योर क्यों नहीं किया ये सर्कुलर के माध्यम से कि अगर जो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी है उसको किस तरह से एग्जेम्पशन देना है, और अगर आपने नहीं किया तो फिर उनके पैसे आपको काटने का क्या हक था, और अगर पैसे काट रहे हैं और अगर किसी भी तरह का कोई फाइनेंशियल एप्लीकेशन आ रहा है या अगर वो परिवार अगर मजबूर हो जाता है आत्महत्या करने के लिए, तो क्या उस बैंक स्टाफ को दोषी नहीं पाना चाहिए, दोषी नहीं माना जाना चाहिए। इसके कारण आप यहां पे लिख रहे हैं कि इन सारी कैटेगरीज को, हाउ एवर द इनकम टैक्स डिडक्शन विल नॉट बी मेड ऑन द कैश विड्रॉल्स मेड बाय फॉलोइंग एंटिटीज। मैं ये सारे बैंक्स के लिए दिखाऊंगा, मैं केवल एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के विषय में नहीं बताऊंगा, ये मैं दिखाऊंगा एनी बैंक कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी इंगेज इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ अ बैंकिंग ऑफ अ पोस्ट ऑफिस, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग इन अकॉर्डेंस विद द गाइडलाइंस। तो जो हमारे जो भी मनी जो CSP जो चला रहे हैं या AP सर्विस प्रोवाइडर हैं वो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट की कैटेगरी में ही आते हैं, और जब वो व्यवसाय चला रहे हैं वो लाख के पैसे उनके पास पूंजी ही 2 लाख रुपया है, और उसी 2 लाख को वो डेली अपना लोगों को बांटते हैं, फिर उनके पास पैसे आते हैं, वो पैसे लाके बैंक से निकाल के दोबारा लोगों को बांटते हैं, तो 2 लाख के हिसाब से उनके महीने में 60 लाख रुपए हो गए। अगर डेली 2 लाख रुपए निकाल रहा है कोई व्यवसायकार, उनकी पूंजी मात्र 2 लाख रुपए है, और उस 2 लाख रुपए को चूंकि उन्होंने 5 महीने में 1 करोड़ के लिमिट्स को क्रॉस कर लिया है, अब 60 लाख रुपए के ऊपर में आप 2% टीडीएस के नाम पे 1,20,000 रुपए उनका काट लीजिए। वो व्यक्ति क्या करेगा, वो नौजवान क्या करेगा, कहां जाएगा, उसका परिवार क्या करेगा। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को या बैंक के स्टाफ को ये इस चीज के लिए जिम्मेवार होना पड़ेगा, उसका एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा कि ऐसे व्यक्तियों का पैसा क्यों काटा जा रहा है जब ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं, और अगर वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं तो आपने अपने बैंक ब्रांचेस को 14 नवंबर को ये सर्कुलर क्यों इशू किया, आपने 1 सितंबर को अपना सर्कुलर क्यों नहीं इशू किया, और आपने क्यों नहीं एक्सप्लेन किया अपने सारे बैंक स्टाफ को कि आप जो भी एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में लोग आ रहे हैं उनको किस तरह से एग्जेम्पशन दिया जाना चाहिए। आज लड़का अगर आपके बैंक ब्रांच में जा रहा है तो आपके बैंक ब्रांच के बैंक स्टाफ को यह पता नहीं है कि किस तरह से सॉफ्टवेयर में रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन करना चाहिए जिसके तहत उसका पैसा ना कटे। आज वो लड़का वो आपके पास आपके दौड़ते दौड़ते आपके आपके बैंक ब्रांच में दौड़ते दौड़ते थक जा रहा है
लेकिन कोई बैंक स्टाफ वाला उनकी बातों को सुनने के लिए तैयार नहीं है और आप उनका अचानक 1.5 लाख और 2 लाख रुपया काट ले रहे हैं। वो व्यक्ति क्या करेगा, वो लड़का क्या करेगा? यहाँ पे एनी वाइट लेबल ऑटोमेटेड टेलर मशीन और अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी इनकेज इन बिजनेस ऑफ इन अकॉर्डिंग विद द ऑथराइजेशन। तो जब आपने कहा है कि जो वाइट लेबल एटीएम चला रहा है वो एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आते हैं, तो उनके पैसे कैसे काटे जा रहे हैं और ये कौन सुनिश्चित करेगा कि उनके पैसे नहीं कटे? और निश्चित कटेंगे, आपने अपने आप अपने बैंक ब्रांचेस को सर्कुलर दे रहे हैं 14 नवंबर को और पैसे काट रहे हैं उनके सितंबर और अक्टूबर में। आप यहां पे बोल रहे हैं, अच्छा यहां पे क्या कर रहा है, बिसाइड द अबव एंटिटीज कैश विड्रॉल्स मेड बाय द फॉलोइंग एंटिटीज फुलफिलिंग द कंडीशन इन एनेक्स 2 आर आल्सो एग्जेम्प्टेड फ्रॉम द डिडक्शन, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी एंड फ्रेंचाइजी एजेंट ऑफ वाइट लेबल एटीएम ऑटोमेटेड टेलर मशीन्स, कमीशन एजेंट और ट्रेडर्स वाइल अंडर द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसका जवाब देना चाहिए कि ऐसे व्यक्तियों का जो कि एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आ रहे हैं और अगर उनके बैंक स्टाफ ने रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन नहीं किया तो इसके लिए वो लड़का दोषी कैसे होगा? जब उनके लड़के ने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने बैंक में जमा कर दिए उसके बाद भी उनके पैसे कैसे कट रहे हैं? और अगर आप ये दिखाएं, ये आप जो लड़का जिसकी पूंजी 2 लाख रुपए है, आप टीडीएस के नाम पे उनके 1,20,000 रुपए काट ले। जो व्यक्ति आपको 18% का जीएसटी दे रहा है वो 10,000 कमाता है, तो 10,000 के कमाई में से आपको 18% जीएसटी पे कर रहा है 1,800 रुपया, उसके बाद 10% वो टीडीएस पे कर रहा है आपको 1,000 रुपया, उसके बाद आप उसकी पूंजी खा जा रहे हैं। वो व्यक्ति क्या करेगा? उस पूरे परिवार को आपने आत्महत्या करने पे आप लोग मजबूर कर रहे हैं। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इसका जवाब देना चाहिए। आप ये देखें, ये आप इनसे डाटा मंगवा रहे हैं अपने ब्रांचेस से, आपने ये कैटेगरी है आपका 215 आपने कैटेगरी दिया है कि ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में आता है। आप अपने बैंक ब्रांचेस में जाइए और जाके उनको बोलिए कि ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी को कैसे किया जाता है। वो अगर को आपका बैंक ब्रांच कर जाएगा तो आप कितने भी पैसे लोगों से काट लें, आपका कोई भी बैंक स्टाफ को पता नहीं है कि वो कैसे वो ये अपना प्रोडक्ट कोड देगा, उसको ये नहीं पता है कि उसका कस्टमर टाइप क्या होगा, उसका प्रोडक्ट कोड कैसे इम्प्लीमेंट करेगा, और आपने उसके पैसे काट लिए 2-3 लाख रुपया और आप बोलते हैं कि ठीक है मैं आपको टीडीएस सर्टिफिकेट दे दूंगा। वो व्यक्ति क्या करेगा जिसका आपने पूंजी खा लिया पूरा का पूरा 2 लाख रुपया पूंजी खा लिया? वो व्यक्ति क्या करेगा, वो लड़का क्या करेगा? और आज आप अपना 14 नवंबर को आपने ये दिया है अकाउंट लेवल एग्जेम्पशन फॉर द फॉलोइंग एंटिटीज मे बी गिवन सब्जेक्टेड टू फुलफिलिंग द कंडीशन, ये आपने 1 सितंबर को आपने सर्कुलर इशू किया होता अपने बैंक ब्रांचेस को, आपने 14 नवंबर को इशू किया। अगर 14 नवंबर को इशू किया तो आप इसका पीछे से आप इसका कैसे ये कर सकते हैं सितंबर और अक्टूबर के महीने में आप ये एग्जेम्प्टेड कैटेगरी में जो लोग हैं कि उनकी गलती क्या है? उन्होंने डॉक्यूमेंट नहीं आपके बैंक पहुंचाए, उनकी क्या गलती है? उन्होंने क्या कंडीशन फुलफिल नहीं किया जब आपने उनसे 1 सितंबर को आपके बैंक ब्रांचेस ने आपने क्या ऐसा डाटा मांगा जो लड़के ने आपको प्रोवाइड नहीं किया जिस कारण आपने उनके 1,00,000, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए काट लिए? यहाँ पे आप क्या आप ये डॉक्यूमेंट कब मांग रहे हैं उनसे? ये आप देखें, ये इस बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बहुत लीड बैंक है, ये डिटेल्स ऑफ द अकाउंट टू बी एग्जेम्प्टेड ऑन टीडीएस ये 14 नवंबर को अपने बैंक ब्रांचेस से मांग रहे हैं और वो 14 नवंबर से पहले जो उनके पैसे कटे उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होगा? और जब आपने ये डाटा नहीं मांगा था तो आपने उनके पैसे कैसे काट लिए? आप ये डाटा मंगवाने के बाद फिर पैसे उनके काटते, और जब आपको डाटा नहीं मिला तो फिर उससे पहले पैसे आपने कैसे काट लिए किसी के 2-4 लाख रुपए? मैं आपको दिखाना चाहूंगा, ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सर्कुलर जो है वो 14 नवंबर को, जो आपने आपको सबसे बड़ा बैंक इंडिया का बोलता है, जहां के बैंक स्टाफ जो हैं वो राजा महाराजा से अपने आप को कम नहीं समझते हैं और वहां भारत की आम जनता को वो अपना गुलाम मानते हैं। आज एक गरीब व्यक्ति, एक गरीब लड़का गांव में किसी तरह से अपना मनी लेंडर से पैसे उठा के व्यवसाय कर रहा है, उसकी पूंजी 5 लाख रुपया है, उस 5 लाख की पूंजी में से 2 लाख रुपए आप टीडीएस के नाम पे काट ले। मैं आपको दिखाऊंगा अभी जो हमारे ये हमारे एसबीआई का लेटर है, ये ब्रांच, ये आपने 26 अगस्त 2019 को ये लेटर इशू किया गया है इनके, ये इनके नरीमन पॉइंट जो इनका ये है। और अगर ये लेटर लेके कोई हमारा एजेंट अगर बैंक में जाता है एसबीआई का, तो एसबीआई वाले बोलते हैं कि हमको इस लेटर से क्या लेना देना है,
हम लोग नहीं जानते इस लेटर को, वो अपने नहीं, ये ऐसे ऐसे लेटर बहुत लोग लेके आ जाते हैं, बहुत सारी कंपनियां लेके आते हैं। तो एसबीआई को ये चीज को ऑफिशियली कंफर्म करना होगा कि जब आपने 26 अगस्त को जब आपने हिटाची पेमेंट सर्विसेज के साथ में एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया जिसके तहत आपको सीएफडीएल अकाउंट हिटाची का खुलना था, हिटाची पेमेंट सर्विसेज के सारे लोगों का, और जब वो लड़के आपके पास जाते हैं तो आपका ब्रांच मैनेजर उनके डॉक्यूमेंट भी एक्सेप्ट करने के लिए मना कर देता है, और बाद में आप उनके 2-2 लाख रुपए काट लेते हैं। मैं दिखाऊंगा जो आपका जो अभी ये जबकि हिटाची के द्वारा ये रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट भी दिया गया एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, लेकिन इस रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट देखिए जहां पे सितंबर मंथ का रिकॉन्सिलेशन सर्टिफिकेट दिया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को, जो कि भारत की सबसे बड़ी बैंक है, और अब मैं बाकी भी बैंक्स का थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगा कि सारे बैंक्स के नोटिसेस में आप देखिए, ये देखिए ये सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का नोटिस है, एटलीस्ट इन्होंने क्या किया, ये 23 सितंबर को ही उनका सर्कुलर आ चुका है, लेकिन आप अगर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उन्होंने हम लोग ये नहीं कह सकते, बट उसमें भी लिखा हुआ है टैक्स डिडक्शन शैल नॉट अप्लाई टू एनी पेमेंट मेड टू एनी बैंकिंग कंपनी और कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस ऑफ बैंकिंग और अ पोस्ट ऑफिस, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट, आप ध्यान दें, एनी बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट ऑफ अ बैंकिंग कंपनी और अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंगेज्ड इन कैरिंग ऑन द बिजनेस business of banking in accordance with the guidelines issued in regard to the Reserve Bank of India. ठीक है, any white label automated teller machines, ये आपका Central Bank of India का circular है। उसके बाद मैं आपको PNB का circular दिखाता हूँ। मैं ये दिखा रहा हूँ कि सारे banks ने circular में लिखा है कि banking correspondent का पैसा नहीं कटना चाहिए। तो जब सारे bank, जब सारे ये इन लोगों ने आपको ये लिखा हुआ है कि उनका पैसा नहीं कटना चाहिए, तो कृपया करके मुझे प्लीज बताने की कोशिश करें कि फिर हम किसी तरह से ये इनका पैसा क्यों काटा जा रहा है, क्या ये एक्ट ऑफ क्रिमिनल नहीं है? आप किसी एक गरीब व्यक्ति का पैसा काट ले रहे हैं, आप 14 नवंबर को सर्कुलर इशू करते हैं अपने सारे बैंक ब्रांचेस को, जबकि ये डिसीजन इन्फोर्स्ड है 1 सितंबर से, तो उसके लिए एक ये जो एक गरीब व्यक्ति है जो ये अपना व्यवसाय कर रहा है वो दोषी कैसे हो गया, जब आपका बैंक स्टाफ नहीं जानता है कि उसको एग्जम्पशन कैसे देना है, और आप जब दे रहे, आप ये कह रहे हैं कि कोई भी बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट का व्यक्ति का के ऊपर में टीडीएस इम्प्लीकेबल नहीं होता है, या फिर कोई वाइट लेवल एटीएम पार्टनर जो है उनके ऊपर डिसीजन नहीं इम्प्लीमेंट होता है, तो और उसके अलावा जबकि हिटाची ने आपसे 26 अगस्त 2019 को आपके साथ एक फॉर्मल एग्रीमेंट किया चाइल्ड अकाउंट खोलने के लिए, सीएफडीएल अकाउंट खोलने के लिए, जिसके तहत ये नहीं कटना था, लेकिन आपका कोई भी बैंक ब्रांच का जो भी बैंक स्टाफ है वो उसने आपको जो हिटाची के जो एजेंट्स हैं उनको आप कॉपरेट नहीं कर रहे हैं कि जिससे उनका अकाउंट खुल सके। ये बैंक ऑफ बड़ौदा का भी ये है, इन्होंने भी 27 सितंबर को ये सर्कुलर इशू कर दिया अपने सारे बैंक ब्रांचेस को, लेकिन हमारे सबसे बड़ी बैंक जो है उन्होंने वो अपना सर्कुलर इशू किया अपने बैंक को कब, 14 नवंबर को, लेकिन पैसे लोगों के सितंबर और अक्टूबर पूरे महीने के काटे आराम से। आज आप देखिए पीएनबी का भी सर्कुलर में ये कहा जा रहा है ना, क्या कहा जा रहा है, कैश रिप्लेनिशमेंट एजेंसी है ना, अटेंशन इज इनवाइटेड टू अ फाइनेंस डिवीजन सर्कुलर दिस डेटेड वायर द गाइडलाइंस फॉर द 194 टीडीएस ऑन कैश विड्रॉवल हैव बीन कम्युनिकेटेड एज पर द क्लॉज ऑफ द प्रोविजो टू सेक्शन 194N द सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर कंसल्टेशन विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मे नोटिफाई पर्सन वेयर द प्रोविजन ऑफ 194 मे नॉट बी विल नॉट बी एप्लीकेबल In exercise of such power, central bank issued notification exempting following entities. Cash replenishment agency, कैसे आप लोग verify करेंगे? आप जब documents नहीं लेंगे, आपका bank branch document नहीं लेगा, तो वो व्यक्ति क्या करे? वो कहाँ से certify करे कि मैं एक ATM चलाता हूँ? और आप कैसे verify करेंगे उसको? ये किसकी जिम्मेदारी बनती है कि ये verified हो कि इनको exemption मिलना है? और Ministry of Finance को ये जवाब देना चाहिए कि अगर ये जब उनको एग्जम्पशन मिला हुआ तो उनका पैसे कैसे काटे जा रहे हैं, और अगर काटे जा रहे हैं तो इसके लिए बैंक स्टाफ को रिस्पॉन्सिबल क्यों ना होना चाहिए, उनके ऊपर
किसी तरह का कोई पेनल्टी क्यों नहीं लगना चाहिए कि आप जहां पे इंटेंशनली किसी लड़के को टॉर्चर कर रहे हैं, आप एक लड़के के ऊपर मतलब आप इन्फोर्स कर रहे हैं। मैं आपको कुछ दिखाना चाहूंगा, देखिए यहाँ पे ये लड़का जो अलग अलग क्षेत्र से लोग हैं जो किस तरह की परेशानी में इस व्यवसाय को चला रहे हैं, और उनका टीडीएस के नाम पे 2-2 लाख रुपया काट लिया गया है। और आज जब लड़का जब जाता है, ये आप देखें जरा जरा, आप लोगों को मैं एक दिखाना चाहूंगा इस लड़के की, इनका 65,000 रुपया, इसने बैंक से लोन लिया 5 लाख रुपए का और आज 65,000 रुपया इनका काट लिया गया, किसके नाम पे, तो टीडीएस के नाम पे। गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस चीज को इंश्योर करना चाहिए कि वो उनके बैंक्स में रिक्वायर्ड एग्जेम्पशंस के लिए सारे उनके स्टाफ को ट्रेन कर दिया गया है। ऐसा ना हो कि किसी तरह से जेन्युइन जो जो व्यक्ति मतलब इस कारोबार से जुड़ा हुआ है, जो कि एग्जेम्पशन लिमिट में आता है, उनको किसी तरह से टॉर्चर ना किया जाए। लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से एब्रप्टली और उनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने एब्रप्टली सारे अकाउंट से पैसे डिडक्ट करने चालू कर दिए विदाउट ड्यूइंग विदाउट पेइंग प्रॉपर अटेंशन कि क्या वो एग्जेम्पशन कैटेगरी में आते हैं कि नहीं आते हैं, या जो वो व्यवसाय उनके उससे बैंक से हो रहा है वो किस तरह का व्यवसाय हो रहा है, और उनके पैसे को काटा जा रहा है। जो व्यक्ति वास्तव में कालाबाजारी कर रहा है, जो पैसे ये कर रहा है, वो आराम से मस्ती से अपना सारा काम कर रहा है, उनको इसका किसी भी तरह का कोई पेन नहीं फेस करना पड़ रहा। परेशानी किसको फेस करनी पड़ रही है, तो एक आम एक गरीब व्यक्ति जो ग्रामीण इलाकों से आता है, जो बहुत सारी वो हर तरह की परेशानी लेके इस व्यवसाय को कर रहा है, वो एटीएम चला रहा है, और वो उसकी पूंजी 5 लाख रुपया है, और उस पूंजी में से 3 लाख रुपया उसके टीडीएस के नाम पे काटे जा रहे हैं। और अगर वो सारे डॉक्यूमेंट लेके, जबकि वो ऐसा नहीं है कि वो लड़का बैंक में नहीं गया अपने डॉक्यूमेंट्स लेके कि सर मैं ये एटीएम चला रहा हूं, ये मेरे डॉक्यूमेंट्स हैं, हिटैची के द्वारा सबको सारे जितने भी लीड जो भी हमारे जो सर्विस WLA पार्टनर्स हैं, उन लोगों ने सारे डॉक्यूमेंट्स बैंक्स के साथ उन लोगों ने कम्युनिकेशन किया, अपने एजेंट के माध्यम से सारे डॉक्यूमेंट्स अपने रिस्पेक्टिव बैंक ब्रांचेस में पहुंचाने की कोशिश की, लेकिन सारे जो भी हमारे बैंक ब्रांचेस हैं उनको किसी भी तरह की कोई आइडिया नहीं था, और ना वो उस चीज को मानने के लिए तैयार थे, ना वो कोई डॉक्यूमेंट एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थे। वो उनके पास इतने भी कॉमन सेंस नहीं है कि वो अपने लोकल अपने रीजनल ऑफिस से वो जानकारी ले कि इसमें किस तरह का एग्जेम्पशन दिया जा सकता है, आपको क्या करना है। उन लोगों ने जबकि लड़के सारे जा रहे थे, उसके बावजूद भी कभी भी उन्होंने कभी अपने लोकल स्टाफ लोकल अपने रीजनल ऑफिस से संपर्क नहीं साधा कि जो ये WLA पार्टनर्स हैं इनको एग्जेम्पशन किस तरह से दिया जा सकता है जिससे कि इनके पैसे नहीं कटे। और अगर उन लोगों ने इस तरह का नहीं ये एग्जेम्पशन अपना रिक्वायर्ड मॉडिफिकेशन नहीं किया अपने सॉफ्टवेयर में, तो वो WLA एजेंट किस तरह से रिस्पॉन्सिबल होगा और उसका पैसा क्यों काटा जाना चाहिए। अगर RBI को फाइन ही करना है, इनकम टैक्स को फाइन ही करना है, तो ये पैसे आप SBI से काटिए, उस ब्रांच से काटिए जो कि अनट्रेन्ड स्टाफ को रखता है। वो लड़का दोषी कैसे होगा जो कि मेहनत करके ईमानदारी पूर्वक अपना व्यवसाय कर रहा है, वो सारी परेशानियां उठा रहा है इस व्यवसाय को करने के लिए, वो 20-20 किलोमीटर दूर से पैसे लेके आता है, सारे तरह का खतरा उठाता है, वो बैंकिंग स्टाफ का तिरस्कार सहता है पैसे लेने के लिए, अपराधी तत्व के नजर में आता है, अपने लाइफ को रिस्क में डालता है, व्यवसाय कर रहा है, और आप उसका पूंजी में से 3 लाख रुपया काट ले टीडीएस के नाम पे, जबकि आपका सर्कुलर कहता है कि बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट और व्हाइट लेबल पार्टनर्स इसमें एग्जेम्प्टेड हैं, तो ये एग्जेम्पशन कौन देगा, ये सॉफ्टवेयर में चेंजेस कौन करेगा, ये बैंक स्टाफ करेगा कि वो WLA पार्टनर WLA एजेंट करेगा, ये बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट करेगा,
ये किसकी जिम्मेवारी बनती है, या ये डाटा देने की जिम्मेवारी किसकी बनती है? ये बैंक स्टाफ की जिम्मेवारी बनती है कि वो डाटा प्रोवाइड करे अपने रीजनल ऑफिस को, अपने हेड ऑफिस को, कि ये जो व्यक्ति हैं जो हमारे यहाँ व्यवसाय कर रहे हैं वो बैंकिंग व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, उनके पैसे नहीं कटने चाहिए, या उन लोगों ने ये डॉक्यूमेंट दिया हुआ है, या उनसे आप डॉक्यूमेंट मांगे, और जबकि वो अगला लड़का आपके पास दौड़ दौड़ के थक रहा है, आपको सारे डॉक्यूमेंट दे रहा है और आप उसके डॉक्यूमेंट लेने के लिए तैयार नहीं है। तो इसमें, इस परिस्थिति में किसी व्यक्ति का आप कैसे पैसे काट सकते हैं, और अगर काटते हैं तो क्या ये एक्ट ऑफ क्रिमिनल ऑफेंस नहीं है? और क्या आप किसी व्यक्ति को, किसी एक गरीब व्यक्ति को आप आत्महत्या करने पर मजबूर नहीं कर रहे हैं? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को इस चीज को जवाब देना होगा कि जहां पे आप ये देखें, जैसे अभी आपको मैं एक ये दिखाऊंगा, ये अभी व्यक्ति है, ये आपका मैं एक वीडियो है, ये महताब आलम है जो कि आपको झंझारपुर में है, इन्होंने 5 लाख रुपए का लोन लेके ये व्यवसाय कर रहे हैं। ये माता बाला में जिनका 65,000 रुपए ICICI बैंक के द्वारा काट लिया गया TDS के नाम पे। ये रंजीत हैं जो कि दरभंगा में बहेरी में अपना व्यवसाय कर रहे हैं, और उनके लगभग 28,000 रुपए TDS के नाम पे बैंक ऑफ बड़ौदा में काट लिया गया। ये इस तरह से लाखों लोग हैं जिनके पैसे काटे जा रहे हैं, जिनको सर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के डिसीजन ने, और बैंक इनएफिशियंट बैंक कर्मचारी। आज अगर भारतवर्ष को अगर कोई आप सुने, इनको इनका दर्द सुने, तो ये इस तरह की कुछ ऐसे, मतलब ये तो कुछ ऐसे घटनाएं हैं, मैं आपको इस तरह की काफी ऐसी घटनाएं हैं, मैं आपको जिनके लोगों के 2-2 लाख, 3-3 लाख, 4-4 लाख रुपया मतलब काट लिया जाए, मैं अपने सारे लोगों को, जो भी हमारे CSP मित्र हैं या जो भी हमारे इस तरह के व्यवसाय कर रहे हैं, वो अपना एक छोटा सा एक से डेढ़ मिनट का वीडियो जो मैंने आपको जिस तरह से दिखाया है, आप अपना वीडियो बताएं, आप किस बैंक से व्यवसाय कर रहे हैं, कितने पैसे आपके काटे गए हैं, इस तरह के वीडियोज बना के आप मेरा व्हाट्सएप नंबर नोट कर लें, मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801005212। मेरा नाम चंद्रकांत अकेला है, फिर से मैं आपका अपना व्हाट्सएप नंबर बता रहा हूँ 9801005212। हमें अपनी आवाज को उठाना है, और हम लोग अपने व्यवसाय को सबसे पहले ईमानदारी पूर्वक करेंगे, लेकिन जो ये डिसीजन गवर्नमेंट के द्वारा लिया गया है और जो बैंक स्टाफ के निष्क्रियता के कारण हम आपके जो पैसे कट रहे हैं, इसके लिए हम लोगों को अपनी आवाज उठानी है कि जो बैंक का जो किस तरह का व्यवहार है जिसके कारण आपको ये परिस्थिति को झेलना पड़ रहा है। तो आपके साथ अगर किसी और व्यक्ति के साथ इस तरह की घटनाएं हुई है जिसमें उनके पैसे कटे हैं, तो वो कृपया करके एक शॉर्ट वीडियो बनाए मेरे को 1-1.5 मिनट का, ज्यादा नहीं, जिसमें वो विस्तृत रूप से बताएं कि किस तरह से वो पैसे को उन्होंने अरेंज करके व्यवसाय को कर रहे हैं, और उनके कैपिटल में से कितनी राशि काट दी गई है। अगर वो 2 लाख रुपए का कर रहे हैं और उसमें से 1 लाख रुपए काट दिया गया है,
कोई एटीएम का व्यवसाय चला रहा है, 5 लाख रुपए की उसकी पूंजी है, 6 लाख रुपए की पूंजी है और उसमें से 2 लाख रुपए काट लिया गया है, तो वह व्यक्ति क्या करेगा और उसकी आज की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है, उसकी आर्थिक परिस्थिति में किस तरह से धक्का पहुंचा है गवर्नमेंट के डिसीजन के द्वारा, बैंक के इस टैक्स डिडक्शन के कारण, जबकि सारे जितने भी सर्कुलर्स हैं, बैंकिंग सर्कुलर हैं, उसमें सारे में मेंशन किया गया है कि बैंकिंग कॉरेस्पोंडेंट्स और WLA पार्टनर जो ATM चला रहे हैं वो इसमें एग्जेम्प्टेड है। तो ये एग्जेम्प्शंस कौन प्रदान करेगा, वो कौन ऐसे मॉडिफिकेशंस करेगा, या कौन इसकी सूचना अपने हेड ऑफिस को देगा या अपने रीजनल ऑफिस को देगा जिससे कि इनके पैसे ना कटे। अगर वो जब हाँ अगर व्यक्ति अगर कोई जो इस व्यवसाय को कर रहा है वो अगर रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स बैंक को नहीं देता है तो बैंक इस डिडक्शन करने के लिए ठीक है, वो बाध्य है, वो सरकारी चीजों को मानने के लिए बाध्य है। लेकिन जब वो जो व्यक्ति महीनों आपके चक्कर काट रहा है, आपको 1 सितंबर का हमारा मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस का डिसीजन है डिडक्शन का और आप अपने बैंक ब्रांचेस को सर्कुलर इशू कर रहे हैं 14 नवंबर को, हमारे लीड बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तो आप किस किस तरीके से आप लोगों के पैसे डिडक्ट कर सकते हैं फॉर मंथ ऑफ सितंबर और अक्टूबर, जबकि आपने अपने लोगों को सूचित ही किया 14 नवंबर को कि किस तरह से टैक्स एग्जेम्प्शन दिया। और अगर आपने सूचित किया है तो मैं आप लोगों सारे ये खासकर SBI ऑफिशियल्स को ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, इवन चेतावनी दूंगा कि वो इस तरह के जो भी टैक्स डिडक्शन हुआ है, जो प्रॉपर ड्यू डिलिजेंस डिलिजेंस किए हुए बिना डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई किए हुए टैक्स काटा गया है, उनको यथाशीघ्र ये पैसे वापस किया जाए, और नहीं तो फिर हम लोग कंज्यूमर कोर्ट में जाके उनके खिलाफ में केस करने के लिए मजबूर होंगे अपनी आगे की रणनीति तय करने के लिए। मैं सभी हमारे जो भी हमारे CSP भाई हैं जो हमारा APS व्यवसाय करते हैं या WLATM चलाते हैं और उनके पैसे अगर किसी भी तरह से कटे हैं TDS के नाम पे, तो मुझे छोटा वीडियो बनाए मेरे और WhatsApp पे डाले, मेरा WhatsApp नंबर है 9801005212, और अपना विस्तृत रूप से ये बताएं कि किस बैंक से उनके कितने पैसे कटे। धन्यवाद मित्रों, आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स अपने जो भी आप जो AEP सर्विस प्रोवाइडर हैं उनसे अपने डॉक्यूमेंट्स आप लेके अपने बैंक में जमा करें, और अगर बैंक वाला आपके डॉक्यूमेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए मना करता है तो उसकी भी सूचना मुझे आप निश्चित दें। धन्यवाद मित्रों।